नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN 24। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा, माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी भाग निकले। भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता अनमोल, अजय महतो, अश्विन पिंटो लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हंसदा उर्फ अपटन के दास्ता सदस्यों के साथ कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में भ्रमणशील होने की सूचना पर 14 जुलाई 2024 से एक संयुक्त अभियान छोटा नागरा थाना एवं मनोहरपुर थाना के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में प्रारंभ किया गया। अभियान के दौरान बुधवार की सुबह करीब 6 बजे छोटा नागरा थाना के दोला इगड़ा गांव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल एवं पहाड़ का लाभ उठाते हुए भाग खड़े। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। इन सामग्रियों की बरामदगी हुई है, उनमें से SLR राइफल 1, SLR मैगजीन 3, 303 राइफल 1, MM पिस्तौल 1, 303 मैगजीन 1, SLR कारतूस 174 राउंड, डोटेनेटर 34, लैपटॉप चार्जर के साथ 1, नक्सल साहित्य, नक्सल लाल बैनर 1, बैटरी 17, ब्लैक कारतूस पाउच 1, ब्लैक पिट्टू बैग 7, नक्सल टोपी 1, नक्सल ग्रीन यूनिफॉर्म 2, काला पटका 1, पावर बैंक 1, मोबाइल चार्जर 3, चार्जिंग केबल 5, डिजिटल मीटर 1, पॉलीथीन शीट बड़ा साइज 3, टॉर्च 12, छाता 4, पोर्टेबल ब्यूटेन गैस सिलेंडर 1, सरसों का तेल 7 पैकेट, विभिन्न प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां व अन्य दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।